मसीह की परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हम देखेंगे गतसनी में प्रार्थना और ये हमें देखने को मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26वां अध्याय की 36वीं आयत से लेकर 46वीं आयत तक। और हमेशा की तरह सबसे पहले हम इन चंद आयतों को उर्दू में पढ़ेंगे और फिर इसको हिंदी में पढ़ते हुए एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। आपके पास बाइबल है तो हमारे साथ खोल लीजिए मत्ती 26:36-46। गतसमनी में प्रार्थना और इसका ही उर्दू में शीर्षक रहेगा गतसमनी में दुआ। 36वीं आयत उर्दू में कहती है, उस वक्त यीशु उसके साथ गतसमनी नामक एक जगह में आया और अपने सागिर्दों से कहा, यहीं बैठे रहना जब तक कि मैं वहां जाकर दुआ करूं। और पतरस और जब्दी के दोनों बेटों को साथ लेकर गमगीन और बेकरार होने लगा। उस वक्त उसने उनसे कहा, मेरी जान निहायत गमगीन है, यहाँ तक कि मरने की नौबत पहुंच गई है। तुम यहाँ ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। फिर जरा आगे बढ़ा और मुंह के बल गिरकर दुआ की, ऐ मेरे बाप, अगर हो सके तो ये प्याला मुंह से टल जाए तो भी न जैसा मैं चाहता हूँ बल्कि जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। फिर सागिर्दों के पास आकर उनको सोते पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी न जाग सके? जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में न पड़ो। रूह तो ईद है मगर जिस्म कमजोर है। रूह तो मुस्तीद है परंतु जिस्म कमजोर है। फिर दोबारा उसने जाकर यूं दुआ की, ऐ मेरे बाप, अगर ये मेरे पिया बिना बगैर नहीं टल सकता तो तेरी मर्जी पूरी हो। और आकर उन्हें फिर सोते पाया क्योंकि उनकी आंखें नींद से भरी थी और उनको छोड़ फिर चला गया। और फिर वही बात कहकर तीसरी बार दुआ की। तब सागिर्दों के पास आकर उनसे कहा, अब सोते रहो और आराम करो, देखो वक्त आ पहुंचा है और इब्ने आदम गुनहगारों के हवाले किया जाता है। उठो चले, देखो मेरा पकड़वाने वाला नजदीक आ पहुंचा है। परमेश्वर का वचन उर्दू में सुने जाने पर परमेश्वर आपको आशीष दे, बरकत दे। हिंदी में देखते हैं गतसमनी में प्रार्थना 36वीं आयत हिंदी में क्या कहती है। तब यीशु अपने चेलों के साथ गतसमनी नामक एक स्थान में आया। तो यहाँ पर एक गतसमनी नामक स्थान है। गतसमनी नामक जगह में आने के बाद यीशु मसीह चेलों से कहते हैं कि यहीं बैठे रहना जब तक मैं वहां जाकर प्रार्थना करूं। अर्थात गतसमनी नामक जगह में तो आगे लेकिन अपने साथ है वो, आगे है, चेलों को लेकर नहीं जाते बल्कि कहते कि तुम यहीं बैठे रहना, मैं आता हूं। और पतरस और जब्दी के दोनों पुत्रों को साथ ले गया और उदास और व्याकुल होने लगा। और उनसे थोड़ी दूर जाकर पतरस और इसके साथ साथ जब्दी के जो दो बेटे थे उनको साथ ले गया। अर्थात यीशु मसीह अपने साथ तीन चेलों को उनसे बाकी चेलों से अलग ले जाकर बिल्कुल व्याकुल और उदास होकर वहां पर चला गया। तब उसने उनसे कहा, मेरा जी बहुत उदास है, यहाँ तक कि मेरा प्राण निकला जा रहा है। यीशु मसीह ने कहा, मेरा जी बहुत ही उदास है और मेरा प्राण निकला जा रहा है। उदासी इतनी हद से ज्यादा है कि उदासी के मारे मेरा प्राण निकला जा रहा है। तुम यहीं ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। यीशु मसीह ने कहा, तुम यहीं ठहरो और मेरे साथ जागते रहो, मैं भी जाग रहा हूँ, तुमको भी जागना है। फिर थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुंह से टल जाए तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। और अपने इन चेलों से भी थोड़ा सा आगे जाकर प्रार्थना करते हैं और ये यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह कहते हैं कि हो सके तो ये प्याला मुंह से टल जाए। अर्थात हो सके तो एक क्रूस की मृत्यु है, ये मेरे जीवन से दूर हो, लेकिन फिर भी मेरी नहीं परंतु तेरी भी मर्जी पूरी हो। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं शरीर की पावर कितनी है। शरीर है वो जिंदा रहना चाहता है, वो मरना नहीं चाहता है, वो जिस भी हालत में होता है उसी हालत में रहना चाहता है, अपने आप को मिटाना नहीं चाहता है। तो इसीलिए है शरीर है
वो मरने के लिए तैयार नहीं है। यीशु मसीह तैयार है, उसकी आत्मा तैयार है, लेकिन शरीर है वो जल्दी से तैयार नहीं होता है अपने आप को खत्म करने के लिए। फिर उसने अपने चेलों के पास आकर उन्हें सोते पाया और पत्रस से कहा, क्या तुम मेरे एक घड़ी भी नहीं जागते? और इस प्रार्थना के बाद यीशु मसीह अपने चेलों के पास आते हैं और पत्रस से कहते, तुम थोड़ी देर भी नहीं जागते? यार इतनी जल्दी मैं इतना परेशान हूँ, इतना उदासीनता से भरा हुआ हूँ। और 41वें आयत कहते हैं, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में न पड़ो। हमें परीक्षाओं से बचना है, दुख मुसीबत से बचना है, तो हमें जागते रहना, जागते रहना मतलब अलर्ट रहना है और प्रार्थनाओं में लगातार बने रहना है, बने रहना है। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है, और यीशु मसीह ने वही बात बता दी यहाँ पर। आत्मा तो परमेश्वर में विलीन होने के लिए बिल्कुल तैयार है, परमेश्वर से मिलने के लिए व्याकुल है, लेकिन शरीर है ये कमजोर है, ये इसकी इजाजत नहीं देता और नहीं चाहता कि आत्मा है वो शरीर से जुदा हो। फिर उसने दूसरी बार जाकर यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि यह मेरे पिए बिना नहीं हट सकता तो तेरी इच्छा पूरी हो। एक बार फिर यीशु मसीह जाते हैं, फिर से परमेश्वर के सामने झुकते हैं और प्रार्थना करते हैं, यदि मेरे बिना पिए ये टल नहीं सकता तो तेरी इच्छा पूरी हो। कोई बात नहीं पिता परमेश्वर, यदि मेरे सूली के बगैर चढ़े ये काम नहीं चलेगा तो कोई बात नहीं, मैं सूली पर चढ़ने के लिए तैयार हूँ। और 43वीं आयत कहती है, तब उसने आकर उन्हें फिर सोते पाया क्योंकि उनकी आंखें नींद से भरी हुई थी। एक बार फिर यीशु मसीह अपने चेलों के पास आते हैं और देखता है कि वो फिर से बहुत ही नींद उनकी आंखों में समाई हुई है और वह आधे सोए आधे जागे से हैं। उन्हें छोड़कर वह फिर चला गया और उन्हें उन्हीं शब्दों में फिर तीसरी बार प्रार्थना की, और उन जब उनको देखा नींद से भरी हुई आंखें तो अपने चेलों को बगैर डिस्टर्ब किए दोबारा फिर से जाता है प्रार्थना करने और फिर से प्रार्थना करता है। और यहाँ पर हम देखें कि यीशु मसीह ने एक दो तीन तीन बार प्रार्थना की। हमें भी ध्यान देने की जरूरत है, और हमें एक बार प्रार्थना करती है दोबारा करनी है, तीन बार करनी, किसी विषय को लेकर सिर्फ एक बार नहीं बार बार प्रार्थना करने की जरूरत है, जिस प्रकार की यीशु मसीह यहाँ पर बार बार प्रार्थना कर रहे हैं। तब उसने अपने चेलों के पास आकर कहा, अब सोते रहो और विश्राम करो, देखो घड़िया पहुंची है और मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ पकड़ाया जाता है। जब तीसरी बार भी उसने अपने चेलों को सोते पाया तो फिर चेलों से आके, अब सोते रहो, अब तुम्हें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है और तुम आराम करो, विश्राम करो, वो घड़ी आ पहुंची है कि मनुष्य का पुत्र है वो पापी मनुष्य के हाथ पर पकड़ाया जाएगा, अर्थात मेरे पकड़वाए जाने का समय नजदीक आ गया है। और 46वें कहती है, उठो चले देखो मेरा पकड़वाने वाला निकट आ गया है। और इस मसीह अपने चलने बोला, वो जल्दी से उठ जाओ और चलो यहाँ से क्योंकि मेरा पकड़वाने वाला है वो अपनी ही तरफ आ रहा है, अपने हम लोगों की तरफ ही आ रहा है। आज के इन वचनों में फिलहाल इतना ही। परमेश्वर आपको आशीष दे, बरकत दे, सबको जन